हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। अगर आप सभी ने अभी तक गार्डनिंग नहीं शुरू की है तो शुरू कर दीजिए, इससे अच्छा सीज़न आपको कभी नहीं मिलेगा। रेनी सीज़न में आप जो कुछ भी लगाएंगे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग भी ग्रो करेंगे अपने ये मधुमालती को और एक्सोरा को कटिंग से। जी हाँ फ्रेंड्स, मधुमालती और एक्सोरा को हम कटिंग से ग्रो करेंगे। देखिए, ये देखिए मधुमालती और एक्सोरा, लेकिन इनकी कटिंग को ग्रो करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो भी आप ले रहे हैं, जैसे कटर, प्रूनर या फिर आप चाकू ले रहे हैं, वो शार्प होना चाहिए, नहीं तो आपकी कटिंग नीचे से डैमेज हो जाएगी तो वो शायद नहीं ग्रो होगी। और उसको किसी अच्छे एंटीसेप्टिक से, डिटॉल हो गया, इससे आप इसको क्लीन कर लीजिए, ताकि अगर इसमें कोई फंगस वगैरह लगा है तो वो ना हो, नहीं तो हमारी कटिंग में भी फंगस लग जाएगा और वो सड़ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ली है मधुमालती की और मधुमालती की कटिंग। ये देखिए, मैंने दो टाइप से कटिंग ली है। जैसे ये ब्राउन कलर की कटिंग है, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर कटिंग है, और ये ग्रीन कलर की कटिंग है। आप सेमी वुड कटिंग लीजिए या फिर आप वुडी कटिंग लीजिए, आप जो बहुत पतला होता है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये कटिंग इस तरीके का आप मत लीजिए, क्योंकि ये शायद ग्रो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो तो आप इस टाइप की कटिंग लीजिए। और इस कटिंग को आप, ये देखिए, इसके नीचे के हिस्से को आप थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे कट कर दीजिए, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको कट कर दीजिए नीचे से भी, और ये देखिए ऊपर से भी। और इसी तरह आप अपनी ये जो ग्रीन वाली कटिंग है, इसको भी आप इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी करके कट कर दीजिए, ये देखिए। और इसके ऊपर का हिस्सा भी इसी तरीके से आप कट कर दीजिए, ये देखिए। ये दोनों कटिंग आपको इसी तरीके से लगानी है। और आपका जो एक्सोरा है, ये देखिए, इसको भी आप नीचे से थोड़ा सा तिरछा काट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये सब इसके नोड एरिया हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, आप इनको भी ऐसे कट कर दीजिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस और लीव्स की नीड तो नहीं है हमें, इस तरीके से आप काट दीजिए। और थोड़ी मैं छोड़ देती हूँ लीव्स इसमें मैं बिना लीव के लगाती हूँ, इसमें लीव्स है तब लगाती हूँ। और इसके लिए आप 8 से 10 इंच का पॉट लीजिए, और आप जो भी सॉयल मिक्स बनाएं जिसमें आप लगा रहे हैं इसको, वो बहुत पोरस होना चाहिए। आप इसमें कोकोपीट का यूज़ ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी आप बना रहे हैं, जहाँ पर आप कटिंग लगा रहे हैं, वहाँ पे जब इनकी जड़ें निकलेंगी तो उनको फैलने के लिए आसानी से जगह मिले। अगर बहुत ज़्यादा ठोस आप मिट्टी लेंगे ना, मीडियम लेंगे, तो क्या होगा कि इनकी जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलेगी और कटिंग को ग्रो होने में शायद बहुत समय लग जाए, या इनकी जड़ें बंद हो जाएं, ना ग्रो करें। इसलिए आप मीडियम बहुत ही सॉफ्ट लीजिए, और आपको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से। ये देखिए, ये नोड एरिया है, नोड एरिया से आपको थोड़ी दूरी छोड़कर ऊपर और नीचे दोनों साइड कट करना है इनको। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी चीज़ से यहाँ पर होल्ड करके, या फिर आप उंगली से ही इस तरीके से करके, आप यहाँ पर अपनी कटिंग इस तरीके से दबा कर लगा दीजिए। इसी तरीके से आपकी ग्रीन वाली कटिंग भी लगा दीजिए, ये देखिए। और हम अपने एक्सोरा को भी इसी तरीके से इसी पॉट में लगा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ कटिंग लगाने के लिए अपना कोई पॉट वेस्ट करूँ, इसलिए इस तरीके से मैंने इसको भी लगा दिया है। और हाँ फ्रेंड, जब आपकी कटिंग आप इस तरीके से लगा लीजिए, फिर इनको रखिए सेडी एरिया में, आप इनको धूप में बिल्कुल भी मत रखिए। जब ये ग्रो करने लगे, इनमें से लीव्स निकल आए, तब आप इनको भले ही धूप में रखिए, पर फिलहाल के लिए आप इनको रख दीजिए छाया में, जहाँ पे धूप ना आती हो, या फिर आती हो तो मॉर्निंग की बहुत कभी धूप आती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप भी कटिंग से ऐसे ही ग्रो करेंगे प्लांट्स को इस रेनी सीजन में, और एंजॉय करेंगे अपनी गार्डनिंग को। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।